आईआईटी खड़गपुर के द्वारा भोपाल में एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव सेमिनार 16 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए उद्यमियों को जागरूक करने के साथ साथ उचित टिप्स भी दिए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले एक उद्यमी को अपने बिजनेस को किस तरह से ऊंचाइयों तक ले जाना है, इसके लिए आईआईटी खड़गपुर द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव देश भर में चलाया जाता है। साल 2019 में दिल्ली, चंडीगढ़ और इंदौर के बाद भोपाल के सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में 16 अक्टूबर को ये इवेंट आयोजित किया जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर एमपी न्यूज है। और हम लोग जो हैं आईआईटी खड़गपुर से आए हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप सेल आईआईटी खड़गपुर के इस रिप्रेजेंटेटिव हैं। और हम लोग जो हमारा इवेंट है एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस ड्राइव, वो हम लोग सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में 16 अक्टूबर को हम लोग 10 बजे से करवा रहे हैं, 10:30 बजे से। तो इसमें हमारे कई सारे गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं जो हम लोग बाहर से बुलवा रहे हैं। और इसमें बेसिकली होगा ये कि इवेंट में स्पीकर्स होंगे, गेस्ट स्पीकर्स, वो स्टूडेंट को स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के इनसाइट्स देंगे। तो ये हमारा इवेंट बेसिकली इसी के आसपास घूमेगा। तो एक हमारा एक और इवेंट होने जा रहा है, दैट इज़ ई स्टार्ट, जो स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव इवेंट है। जो हमारे कॉलेजेस के स्टार्टअप होते हैं, जो आइडिएशन फेज में होते हैं, जिनके पास कुछ आइडिया होता है लेकिन वो स्टार्टअप खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक हम मेंटरिंग सेशन और वर्कशॉप मतलब आयोजित करवा रहे हैं, जो कि हम 2 बजे से सेशन होगा उसका। तो हमारे कुछ मेंटर्स आ रहे हैं जो उनको प्रॉपर गाइडेंस उनके आइडिया पे और बिजनेस मॉडल कैनवास पे उसका मेंटरिंग करेंगे। इस इवेंट के तहत यूथ को टारगेट किया जाता है, लिहाजा एमपी में इंदौर के बाद अब राजधानी भोपाल में ये इवेंट आयोजित किया जा रहा है। इस खास कार्यक्रम में देश के नामी स्टार्टअप्स के एंटरप्रेनर्स शामिल होंगे, जो सफल एंटरप्रेनर बनने के कई मूल मंत्र देंगे। हम जो एटी करवा रहे हैं भोपाल में, उसमें 6 स्पीकर्स आने वाले हैं, जिनमें से मिस्टर प्रवीण वादलकर, अभिनव सक्सेना और बहुत सारे जाने माने गेस्ट हैं, जिसमें से वो हमें स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे और उनको बताते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक एक्सपीरियंस होता है कि एक्चुअली वो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में रहते हैं, दे आर एन एंटरप्रेन्योर। तो जो एक बडिंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सकता है उस चीज़ में। तो उस चीज़ के लिए हम लाइव इंटरेक्शन हम उनके साथ रखेंगे, कीनोट सेशंस रहेंगे, जिसमें वो सेशन देंगे। जैसे कि मिस्टर अभिनव सक्सेना है, वो बिजनेस कोच हैं, तो व्हाट ही उनका टॉपिक इस तरीके से रहेगा कि हाउ टू स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ एक कभी ना कभी एक लाइफ में आता है कि हाँ यार हमें अपना एक बिजनेस खोलना है, तो वो हर बार कभी ना कभी कुछ का हो जाता है लेकिन कुछ रह जाते हैं क्योंकि उनको एक गाइडेंस नहीं मिल पाता। इस साल 23 सिटी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें से नोएडा, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, त्रिवेंद्रम, बहुत जगह हो रहा है, कोलकाता भी है। तो हम लोग एक हिसाब से पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं 23 मेजर सिटीज़ में। तो साथ ही साथ ईएडी के साथ साथ हम एलएसएम्स भी करवा रहे हैं, जो लोकल स्टार्टअप मीट्स होते हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके से हम ईएडीज में स्टूडेंट्स और इन्फ्लुएंसर्स का इंटरेक्शन होता है, लोकल स्टार्टअप मीट्स में हम स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स का करते हैं। कुल मिलाकर इंदौर के नए उद्यमियों के लिए ये सेमिनार काफी सार्थक रहेगा, वहीं नए युवाओं को स्टार्टअप के लिए खूब मोटिवेट भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।